नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। हत्यारा भाई अरेस्ट। सुल्तानपुर में चार दिन पहले सोते समय युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। खुद बड़े भाई ने ही युवक की हत्या कर घटना को अंजाम दिया था। कहा कि ये तो जा ही रहा है, रिटायर्ड के बाद पिता ने छोटे बेटे को पैसा देकर के व्यवसाय कराने का आश्वासन दिया था। इसी बात से नाराज बड़े भाई ने घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस ने आला कत्ल समेत बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला है धमौर थाना क्षेत्र के हाजी पट्टी गांव का। इसी गांव के रहने वाले अलीम खान अमेठी जिले के नंद नहर में स्थित एक बैंक में कैशियर के पद पर तैनात है। बीते 8 अगस्त को अलीम मुसाफिर खाना स्थित अपने घर में रुक गए थे, जबकि पत्नी समेत अन्य बेटे इसी गाँव के ही घर में रुके हुए थे। गांव के इसी घर में अलीम का छोटा बेटा अब्दुल नबी अपने कमरे में अकेले सो रहा था। रात 1 बजे किसी ने उसको चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बताया गया कि चीख पुकार सुन करके नबी का बड़ा भाई अब्दुल आखिर खान मौके पर पहुंचा तो बदमाश ने उसे भी चाकू मार करके घायल कर दिया। इसी मामले में पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही थी। चूंकि घटना चश्मदीद बड़ा भाई अब्दुल आखिर खान की ही थी, लिहाजा पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस की माने तो आरोपी अब्दुल आखिर खान अपने पिता अलीम खान बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए मांग रहा था, जबकि ये पैसा पिता के द्वारा रिटायरमेंट के बाद मृतक अब्दुल नबी को देकर के व्यवसाय कराने का आश्वासन देकर गए थे। इसके अलावा मृतक की शादी भी अभी फिलहाल एक संपन्न परिवार में हुई थी, जिसमें खूब दान दहेज मिला था। इसी के चलते आरोपी अब्दुल आखिर कहां अपेक्षित महसूस कर रहा था, छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा। लिहाजा बीते 8 अगस्त की रात अपने अब्दुल नबी की चाकू से गोद करके उसने हत्या कर दी और बदमाशों के द्वारा घटना को अंजाम देने का साजिश रच डाला। लेकिन पुलिस ने खुलासा कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। पूछताछ सुराग रसी और अन्य चश्मदीद साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि मृतक का एक बड़ा भाई है जिसका नाम अब्दुल आखिर खान है, जिसके द्वारा स्वयं एक घटना वाली रात में चाकू से वार करके इसकी हत्या की गई थी। इस संबंध में संदेह के आधार पर अब्दुल आखिर खान को लाकर और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो आला कत्ल था वो बरामद कराया तथा घटना के पीछे ये बताया कि वह अपने पिता से दुकान खुलवाने के लिए 10 लाख रुपए चाहता था, जबकि ये पैसा उसके पिता जो है मृतक को एक फैब्रिकेटर की दुकान चलाने के लिए जमीन खरीदने के लिए देना चाह रहे थे। एक विवाद का कारण ये था। दूसरा, जो मृतक था उसका शादी अभी हाल ही में एक संपन्न परिवार में हुई थी, जिससे उसके दान दहेज भी काफ़ी मिला था और परिवार में वो भी एक ईर्ष्या का कारण बना हुआ था। इसी सबसे अपने परिवार में उपेक्षा से ये युवक जो है